नमस्ते, धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 6 त्रिकोण में स्वाध्याय नंबर 6.3 दाखला नंबर 2 लई छे। रकम आपेली छे, आपेल आकृति में त्रिकोण ओडीसी समरूप त्रिकोण ओबीए, कोण बीओसी बराबर 125° अने कोण सीडीओ बराबर 70 होय तो कोण डीओसी अने कोण डीसीओ अने कोण ओएबी शोधवानुं छे। आकृति में आपणने बे त्रिकोण में खूणा ओडीसी नुं माप 70 आपेलू छे, खूणा बीओसी नुं माप 125 आपेलू छे। अहीं आपणे जोई शकीए छीए के ऊपरनो जे त्रिकोण छे डीओसी एनो बहिष्कोण थशे कोण सीओबी। त्रिकोण अहीं जोई शकाय छे के कोण बीओसी अने कोण डीओसी ए रैखिक जोड़ना खूणा छे, जेना मापनो सरवाळो 180 थाय। आथी आपणे लखी शकीए के कोण सीओबी वत्ता कोण डीओसी बराबर 180, जेमां कोण सीओबी 125 आपेलो छे। सादुरूप आपता आपणने कोण डीओसी छे ए मळशे 55। हवे आकृति में आप जोई शकीए छीए के त्रिकोण डीओसी छे एनो बहिष्कोण छे कोण सीओबी। अने आपणने ख्याल छे के बहिष्कोणनुं माप अंतःसम्मुखकोणना मापना सरवाळा जेटलुं थाय, तो आपणे लखी शकीए के कोण सीओबी बराबर कोण ओडीसी वत्ता कोण डीसीओ। सीओबीनुं माप 125 मूकेल छे, कोण ओडीसीनું માપ 70 મૂકેલું છે, તો આ રીતના આપણને કોણ ડીસીઓનું માપ 125-70 કરતાં 55 મળે છે। હવે આપણને રકમમાં કીધેલું છે કે કોણ ઓડીસી અને કોણ ઓબી એ સમરૂપ ત્રિકોણ છે। જ્યારે બે ત્રિકોણ સમરૂપ હોય ત્યારે તેના અનુરૂપ ખૂણાઓ છે એના માપ સમાન થાય, એટલે ત્રિકોણ ઓડીસી સમરૂપ ત્રિકોણ ઓબીએ। તેથી આપણે લખી શકશું કે કોણ ઓએબી બરાબર કોણ ડીસીઓ, પરંતુ કોણ ડીસીઓનું માપ 55 છે તેથી કોણ ઓએબીનું માપ 55 થશે।